तैयार हो जाइए क्योंकि राहुल कृष्ण वैद्य आपका फेवरेट बिग बॉस 14 का खिलाड़ी लेकर आ रहा है कुछ खास। मैं राहुल भोज आपका स्वागत करता हूँ फीफाफूज में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मैं मौजूद हूँ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। भाई गरबा आने वाला है, गरबे की रात आने वाली है, और ऐसे में राहुल वैद्य जो कि एक सिंगर है और एक्टर भी है, वो कैसे पीछे रह जाए। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ एक खास बात। जैसा कि हम सबको पता है कि बिग बॉस 14 करने के बाद राहुल कृष्ण वैद्य के सितारे जो हैं वो एक अलग लेवल पे पहुंच गए हैं। राहुल कृष्ण वैद्य ने सोशल मीडिया पे धमाल मचाया, बवाल मचाया अपना। हैशटैग सोशल मीडिया पे उनका 1 मिलियन 2 मिलियन समथिंग है, राइट, प्लस भी कह सकते हैं। और अब उसके बाद क्या, उसके बाद ये है कि राहुल कृष्ण वैद्य अलग अलग तरीके की वीडियोज में आ रहे हैं, म्यूजिक एल्बम्स में आ रहे हैं, प्लस खतरों के खिलाड़ी भी उन्होंने जस्ट फिनिश किया है, एंड साथ ही साथ दिशा के साथ शादी हो गई है, दिशा के साथ एड आ रहे हैं और न जाने क्या क्या। राहुल कृष्ण वैद्य की अगर बात करो दोस्तों, तो राहुल कृष्ण वैद्य का एक नया सॉन्ग आ रहा है गरबे की रात, और क्या जानते हैं आप किसके साथ आ रहा है? अरे भाई निया शर्मा, ब्यूटीफुल गॉर्जियस एंड हॉट लेडी के साथ। बता दूं आपको तो स्टिल्स कुछ रिलीज हुई है सोशल मीडिया पे जहां पे दोनों शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी नवरात्रि 7 तारीख से शुरू हो जाएगी दोस्तों, 7 अक्टूबर से, और ऐसे में यहां पर राहुल कृष्ण वैद्य का जो है धमाका होगा, और राहुल कृष्ण वैद्य डेफिनेटली मजाक करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दूं तो राहुल कृष्ण वैद्य और निया शर्मा जो है वो एक हॉट पेयर कहीं ना कहीं लगेंगे, और राहुल जहां पे एकदम स्मार्ट है, डैशिंग है, और वहीं निया उतनी ही ज्यादा सेंसुअस लग रही है इन फोटोज में। सो गरबे की रात गाना रिलीज होने वाला है जस्ट, और आप लोगों को क्या है कहना इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बने रहे चैनल के साथ, देखते रहे फीफाफूज, और मुझे इजाजत दीजिए। मैं राहुल भोज, जैसे ही गाना आएगा तो उसका रिव्यू करके जरूर लाऊंगा। सो या कीप ऑन वॉचिंग एंड देखते रहे फीफाफूज। बाय बाय।